हेलो गाइस, माय सेल्फ भरत पवार। और आज हम फिर हाजिर हो गए आपके बीच में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम का ये टॉपिक हो सकता है आज के वीडियो का। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और सबको ज़रूर शेयर करें। तो आज के जो वीडियो का जो टॉपिक होने वाला वो है आफ्टर 12th साइंस, यानी कि 12th के बाद में कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है और कौन कौन सी जो लाइन है जहाँ पर आप आगे अपनी स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, ये जो वीडियो है वो 12th बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए है, यानी जो बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। और ये जो वीडियो है ओनली और ओनली 12th बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए है। तो अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने 12th बोर्ड पास कर लिया है। ओके, अगर आप 12th बोर्ड पास कर चुके हैं तो अभी आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है या आप कोई ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और सेकंड चीज आपको आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरा है, आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंटरेस्ट नहीं है। तो दो प्रकार के बच्चे हो सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो पहले अगर हम बात करेंगे वे बच्चे जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फॉर्म भरा है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबको ऑल द बेस्ट। आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें, दिन बहुत कम बचे हैं। यहाँ पर आपका गुजकेट एग्ज़ाम जो अपने गुजरात गवर्नमेंट का है, अपना स्टेट एग्ज़ाम है, स्टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम भी 30 जुलाई को होने वाली है और 26 जुलाई को आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये दो गुजरात बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशंस को एकदम अच्छे से रखें और पेपर को बढ़िया से करें, पेपर को फोड़ गया है, ठीक है। तो आपका एक ही ऑप्शन मैं मानता हूँ कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको MBBS करनी है। ओके, मैं ये मान के चल रहा हूँ जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे नीट एग्ज़ाम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं वे बच्चे गुजकेट एग्ज़ाम में इंटरेस्ट ले रहे होंगे, क्योंकि गुजकेट जो एग्ज़ाम है वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, जो फार्मेसी, यानी आपको अगर फार्मेसी में जाना है तो उसके लिए आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ओके, तो मैं मानता हूँ कि आप लोग गुजकेट की तैयारी कर रहे होंगे या आप लोग नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एकदम गोल अगर क्लियर है कि हमें MBBS या हमें फार्मेसी करनी है, यहाँ तक आने क्लियर। नंबर टू चीज, वे बच्चे जिनका अभी कुछ गोल फिक्स नहीं है, खाली 12th पास उनको करना था वो कर चुके हैं, अब उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अब 12th पास तो हो चुकी है, अब हम आगे क्या करें, आगे कौन सी हमें पढ़ाई करनी चाहिए आगे, या आगे कौन सी उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो माई डियर, आगे बहुत बहुत ब्रॉड कैटेगरीज में आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, तो कन्फ्यूज होने की कतई तुमको ज़रूरत नहीं है। एक तरफ वे बच्चे हैं जिनको एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है, जैसे एग्जाम्पल अगर बता दूँ मैं तो नीट एग्ज़ाम अभी सबसे टॉप पे चल रहा है, देन आपका ये जो स्टेट का एग्ज़ाम है गुजरात का वो गुजकेट है, उसी प्रकार हर स्टेट का अपना अलग अलग एग्ज़ाम हो सकता है। ओके, तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे कि अगर बात करें AIIMS हो गया, MBBS हो गया, नॉर्मली आपका BDS हो गया, BHMS हो गया, BAMS हो गया, और वेटरनरी डॉक्टर हो गए, ये हो गया, उसके अलावा बहुत सारे दुनिया भर के एग्ज़ाम होते हैं जो अलग अलग कोर्सेज है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको प्रोफेशनली अपने को डॉक्टर लाइन में जाना है, तो वे बच्चे हैं। और जिनको बाकी इन लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, डॉक्टर की लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो लोग अगर मैं शुरुआत करूँ तो सबसे पहले उन्होंने सोच रखा होगा कि हमें ग्रेजुएशन करनी होगी, तो अगर आपने 12th साइंस से पास किए तो आप क्या करोगे, जनरली BSc करोगे, बैचलर ऑफ साइंस। तो आप BSc करोगे तो BSc के बहुत प्रकार होते हैं, BSc नर्सरिंग हो गया, BSc डेयरी हो गया, BSc एग्रीकल्चर, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, आपके पास बहुत सारी ब्रॉड फील्ड अवेलेबल है। आपका इसमें जिस सब्जेक्ट में आपका वे ऑफ इंटरेस्ट हो आप वो सब्जेक्ट लें और अपनी तैयारी करें। और तीसरे वे बच्चे हो सकते हैं जिनको UPSC की तैयारी करनी है, BSc भी उनका एक जस्ट पास होना है। तो जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग फटाफट बेसिक से ही आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही अपनी UPSC की तैयारी पे लग जाए, क्योंकि जैसे ही आपका BSc ख़त्म होगा आप एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, UPSC एग्ज़ाम के लिए, आप एग्ज़ाम दे सकते हो UPSC का। तो आप लोग अपनी तैयारी चालू कर दें,
तो आपने बीएससी में एलिजिबल ले लिया, बट बीएससी में किस में आपको लेना है? बीएससी इन्वायरमेंटल हो गया, माइक्रो, बायोटेक, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर, बहुत बहुत बड़ी ब्रॉड फील्ड इसकी अवेलेबल है। अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं मेरे को, अगर आपको प्रॉपर करियर गाइडेंस चाहिए तो स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर लीजिए, आपको मैं प्रॉपर वे में गाइड कर दूंगा कि किस फील्ड में कितना खर्चा आता है, कितने साल लगते हैं। क्योंकि सबसे मेजर सवाल बच्चों के सामने ये है, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और अब वो एक फैमिली में इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। 12th तक बच्चा पेरेंट के साथ में रहता है और उनसे फ़ी वगैरह लेता है, 12th के बाद में बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है और वो अब पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगना चाहता। तो आपके आपके लिए बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब भी अवेलेबल है, आप कौन कौन से जॉब करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, वो सब बातें आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे आपको जो नंबर दे रखे हैं या फिर जो स्क्रीन पे नंबर लिखे हैं, ये नंबर पे मुझे मैसेज कर लें कि सर मुझे ये फील्ड में इंटरेस्ट, सपोज दैट मुझे बीएससी करनी है साथ मुझे जॉब करना है, तो मुझे बीएससी किस में करनी चाहिए, क्या कितने साल लगेंगे, कितना खर्चा आएगा, आप मुझे सब चीज़ पूछ सकते हैं, आपको मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको बता दूंगा। रही बात, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि वे बच्चे, कुछ बच्चों का माइंडसेट है जिनको एकेडमिक या रिसर्च लाइन में जाना है, तो वे बच्चे बीएससी करके एमएससी करें, अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अपनी मास्टरी करें, मास्टरी करने के बाद में आप चाहे नेट जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए आप जेआरएफ की तैयारी करें या फिर आप नेट एग्ज़ाम क्लियर करें, तो आप उसे एज ए प्रोफेसर बन सकते हैं और एज आप रिसर्च स्कॉलर के रूप में रिसर्च में भी अपना काम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग बहुत सारे ब्रॉड फील्ड अवेलेबल हैं, तो आप लोग अच्छे से बहुत स्मूथली तैयारी करें। और वे बच्चे जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी है और जिनको यूपीएससी क्रैक करनी है, तो वो लोग आप बीएससी पे कम ध्यान दें और अपनी यूपीएससी पे ज़्यादा फोकस करें, बीएससी आप आराम से निकाल दोगे 1 वीक में स्टडी करके, ये सच्चाई ग्राउंड रियलिटी है, ओके। और जिन बच्चों को अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज करनी है, वो लोग अपने पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छे से फोकस, ओके। एक बार वापस मैं ओवरऑल इस वीडियो का जो समराइजेशन कर लेता हूँ वापस में, पहले वे बच्चे जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी पे ध्यान दें। मैं आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपसे एक बार फिर से मिलूंगा मैं वीडियो के ऊपर, वीडियो के साथ में, और तो आप सबको ऑल द बेस्ट, आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। और वे बच्चे जो किसी तरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनके पास में बहुत बढ़िया समय है, आपके पास बहुत बड़ा भी लॉकडाउन का समय मिला है, तो आपका जो भी इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है उसमें आप तैयारी चालू करते हैं, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और वे बच्चे जो पढ़ाई के साथ साथ में जॉब करना चाहते हैं, उनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, कैसे कितने प्रकार के जॉब किए जा सकते हैं, कौन कौन से पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल हैं, तो आप उसके लिए भी मेरे जो नंबर लिखे स्क्रीन पे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें, आपको मैं आपके स्टडी के साथ साथ आपको मैं जॉब कराने सिखा दूंगा कैसे कैसे, क्योंकि मैंने भी किया है, मैंने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ में मैंने पार्ट टाइम जॉब किए हैं, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको किसी भी प्रकार के जॉब की रिक्वायरमेंट है बच्चों को पार्ट टाइम, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक फैमिली को इकोनॉमिकली आप आराम से हेल्प कर सकते हैं और अपनी पूरी पढ़ाई की फीस आप खुद पे कर सकते हैं, आप चाहे अपनी ग्रेजुएशन हो या कोई भी आपका कोर्सेज अवेलेबल हो, ओके। तो अगर आप किसी भी प्रकार में कोई दिक्कत है एकेडमिक लाइन में या कोई भी करियर लाइन में, तो आप बिंदास मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। और आई होप आप लोग जरूर मेहनत करें, आप लोग बहुत आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।